हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी सेंट थॉमस हाई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज हम हमारे रिटन एक्सरसाइज में ओम की मात्रा का अभ्यास करेंगे। ये है ओम, अ होता है, उसके ऊपर एक बिंदु आता है तो क्या बन जाता है, अन। अन से अंगूर। तो हम यहाँ पे रिटन एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। हाफ राउंड, डबल हाफ राउंड, डबल हाफ राउंड, स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, डबल हाफ राउंड, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन, डबल हाफ राउंड, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, अगेन ऊपर एक क्या आएगा, बिंदु डॉट आएगा, तो क्या बनेगा ये, अन। तो आपको यहाँ पे अन लिखना है, ये ट्रेसिंग करना है, फिर यहाँ पे लिखना है, जहाँ यहाँ पे जो ग्रीन डॉट दिया गया है वहीं से शुरू करके लिखना है, ठीक है। ये हमने पहले सीख तो लिया है लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में अभी लिखना बाकी है, इसलिए फिर से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपको दे रही हूँ। और अन के बाद आता है अह। अ के आगे दो बिंदु लगते हैं तो उसका अनुस्वार होता है अह। मीन्स अह मीन्स जो भी कोई वर्ड्स होता है उसके आगे जो बिंदु लगता है वो ये मात्रा है, ह ऐसा स्वर अनुस्वर लगेगा। जैसे यहाँ पे वर्ड्स है प्रातः, ह त के आगे दो बिंदु है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ह प्रातः। तो उसी तरह आपको यहाँ पे भी ह अह का रिटर्न एक्सरसाइज करना है इसे, ठीक है बच्चों। हाँ, अब यहाँ पे हम आज हमारी पेज नंबर 90 तक लिखना है और आज हम यहाँ पे हम हमारी रिटन एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो से हम हमारी आगे की पोएम, स्वर, व्यंजन जो भी हमें पढ़ना है वो शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए बाय बाय। आज का ये होमवर्क है, ये पेज नंबर 19 पूरा फिलअप करना है। ओके, बाय बाय।